बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू पीपल आर वॉचिंग योर ऑन चैनल सना खान ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आई एम जस्ट लाइव आफ्टर मेनी डेज एंड टुडे आई वांट टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट इशू व्हिच इज अबाउट द कोरोना वैक्सीनेशन। दैट व्हाई द पीपल आर एक्सप्लोरिंग द फॉल्स मिसकंसेप्ट्स अबाउट द कोरोना वैक्सीनेशन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ऑल व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी योर फीडबैक। फ्रेंड्स, आई वॉज टूडे इन द सेंटर वेयर देर वॉज कोरोना वैक्सीनेशन इज नाउ डेज। आज मैं कोरोना वैक्सीनेशन के सेंटर पे था जहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन हो रही थी। आई वॉज विद माई फैमिली मेम्बर्स हुज एज अबव द 50 ईयर्स एंड 60 ईयर्स। आई वॉज देयर विद हेम। सो आई सॉ मेनी पीपल, मैंने बहुत से लोग देखे कि बहुत रश था जो, और सब लोग आए थे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। एंड सब मुझे अच्छा लगा कि हाँ, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, लोग अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन बिफोर 20 डेज व्हेन आई वाज इन द सेम सेंटर ऑफ कोरोना वैक्सीनेशन, मैं वही सेम सेंटर में जब 20 डेज पहले गया था तो मैंने देखा कि रश ज़्यादा नहीं था, रश बहुत ज़्यादा ही रश नहीं था, और बहुत कम लोग थे, मतलब हार्डली 1 to 2% वर देयर। और दे आर सेइंग हाँ, हमें वैक्सीनेशन करनी है। लेकिन जब मैं आज और कल वहाँ गया अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो मैंने देखा कि हाँ, बहुत से लोग, अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है और लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लोग अभी इंटरेस्टेड है कि हाँ, हम भी वैक्सीनेशन करें। लेकिन मैंने देखा कि मतलब वहाँ कुछ प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। लोग बिल्कुल बिल्कुल क्राउड ही था, कि बिल्कुल वो काफ़ी रश था। लोग साथ, मतलब वो कह रहे हैं कि 4 फुट का फासला, 1 फुट का फासला, 2 फुट का फासला रखें, तो उस ऐसा कुछ भी नहीं था ना। किसी ने बहुत हार्ड लोगों ने मास्क पहने थे, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना था। सो काइंडली जो भी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो काइंडली फर्स्ट कि हाँ, वो मास्क ज़रूर पहने, और सेकेंडली कि वहाँ पे सामाजिक जो फासला है, सोशल डिस्टेंस है, तो काइंडली उसका भी ख्याल रखें। और तीसरा कि जो लोग वहाँ पे ये फॉल्स न्यूज़ क्रिएट करने के लिए और आते हैं, तो काइंडली वो ऐसी जगह पे ना आया करें। बिकॉज जो लोग फॉल्स न्यूज़ क्रिएट करते, तो इससे लोग इंटरेस्टेड है उनके। सो काइंडली जो ये फॉल्स न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो काइंडली वो ये फॉल्स न्यूज़ क्रिएट ना करें। अगर आपको वैक्सीन लगाने हैं तो लगाइए, अगर नहीं लगाने तो काइंडली दूसरे आवाम का, दूसरे लोगों का कंसेप्ट खराब ना कीजिए। सो दिस वॉज़ अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज अंडर टुडे सिचुएशन एंड फॉर दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग सच फॉल्स न्यूज़। सो फ्रेंड्स, आई होप्स आपको ये छोटी सी वीडियो, एक मेरा एक छोटा सा मैसेज पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आऊँगा, इसी तरह एक न्यू इशू पे बात करूँगा। सो फ्रेंड्स, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, एंड काइंडली सब अपना बहुत ज़्यादा एहतियात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और अपने बड़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ये बीमारी जो है, ये 50-40 ईयर्स एंड 60 ईयर्स एबो लोगों को बहुत आसानी से लगती है। और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। सो फ्रेंड्स, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।